अपने होने का साथ। अल्लाह अकबर, समत लाइट दे लाइट। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असीफजादा, मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, हम लाहौर में वाकई एक घर में मौजूद हैं जहाँ पर हमें कंप्लेंट मौसूल हुई कि यहाँ पहले कुछ ज़्यादा मामला चल रहे थे जिन्नात के हवाले से, लेकिन अब कहना है कि उनको कभी कभी नज़र आते हैं। तो हमें बुलाया गया है यहाँ पे और देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर कि वाकई वो चीज़ें यहाँ बसती हैं या अफवाहें हैं या उनका वहम है। तो ये बहुत छोटी सी जगह है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है। हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अभी मैं EMF ऑन कर रहा हूँ, उस कमरे में चलते हैं पहले। अभी मैं EMF ऑन कर रहा हूँ, उस कमरे में चलते हैं पहले। कौन है? आवाज़ आई है? मैं EMF ऑन कर रहा हूँ, अभी आते ही। बहुत खामोशी है इधर और ये इनका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? अपने होने का सांस दिला सकते हैं? अल्लाह, होने का सांस दिला सकते हैं? अल्लाह ये कुछ हुआ है? हाँ, कोई कौन है? क्या कोई चीज है यहाँ पे? होने का सांस दिला सकते हो दोबारा? अभी नाज़रीन, ऐसा लगे जैसे कोई चीज ऊपर आकर बैठी है या दबाव पड़ता है ना। हमने सुना है कि तुम यहाँ पर रहते हो, क्या अपने होने का सांस दिला सकते हो हमें? क्या अपने होने का सांस दिला सकते हो हमें? ये देख के ऊपर दिखाना, कौन है? पीछे जाओ समझ, पीछे पीछे बाहर से दिखाओ, ऊपर दिखाओ। कोई है? कोई जानवर तो नहीं है? EMF पे रीडिंग आती है और जाती है, और हमने जब उससे बात की कि अपने होने का सांस दिलाओ तो ऊपर कुछ दबाव सा पड़ा जैसे कोई चीज़ गिरती है। जैसे हम इसका थोड़ा सा और एरिया देखते हैं नाज़िम, बहुत कंजस्टेड एरिया है, छोटा घर है, लेकिन क्योंकि हमें बुलाया गया, हमारा फ़र्ज था यहाँ पे आना, और हम देखते हैं। अच्छा नाज़िम, अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये भी एक कमरा है, तो रीडिंग आई थी। आना समझ। अच्छा यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ पे नाज़िन लोगों का सामान भी है जो यहाँ पे रहायश पजीर हैं, लोगों का सामान भी है जो यहाँ पे रहायश पजीर हैं। ये क्या है यार ऊपर? यहाँ समझ, कौन हो? फिलहाल नाज़िन फैमिली अभी साइट पे है जो यहाँ पे रहते हैं। ये देखो, ये कुछ है यहाँ पे जो यहाँ पे रहते हैं। ये देखो, ये कुछ है यहाँ पे। कौन है? आई थिंक ये आवाज रिकॉर्ड हो रही हो, दोबारा कर सकते हो? ऐसा लगता है जैसे कोई चीज है। ये शारिफ, क्या हो रहा है? ये बकायदा आ रही है। ये देखो, कौन है इधर?
पे मुसलसल आवाजें आ रही हैं। क्या होने का साथ जला सकते हो? मुझे महसूस हो रहा है कि तुम यहाँ पे हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये कैसे हुआ समझ? नाज़रीन ये ग्लास गिरा है। आई थिंक यहाँ पे स्टील का ग्लास तो कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया। ये देखो रेटिंग आती है, कोशिश को चीज़ आती है। ये कहाँ से गिरा है और इतनी शदीद इसकी आवाज़ थी कि हम सब डर गए हैं यहाँ पे। देखो हमें मालूम है कि तुमने ये चीज़ की है और ये हमारे सामने गिरा है। किसी और शक्ल में आ सकते हो? यहाँ पे जो रहते हैं उनको तंग क्यों करते हो? बता सकते हो, बात कर सकते हो हमसे? थोड़ा सा बाहर देखते हैं नाज़रीन और फिर इसको दोबारा। ये इनका सहन है और यहाँ फिलहाल रीडिंग है। ऊपर की अगर बात करें तो मुसलसल ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ ऊपर से भाग रही है, गिर रही है, लेकिन कुछ जानवर ऐसा नहीं हो सकता। पहले उस तरफ हुआ है, फिर इस तरफ हुआ है और ये जो ग्लास गिरा ये एक वैलिड प्रूफ है कि वो चीज़ वहाँ पे है। अच्छा नाज़रीन हम आगे की तरफ चलते हैं। जगह बड़ी नहीं है और हम उसमें रहते हुए देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या नहीं। एक कमरे में हुआ है मसला, हमें फेस करना पड़ा है। कौन है? कोई है यहाँ पे अपने होने का साथ? अल्लाह हू अकबर। समझ ये क्या टूटा है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, तौबा, अल्लाह हू अकबर। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लाहौल वाला कुव्वत। नाज़रीन ये कोई मटका है या क्या है? वो टूटा है, आके शदीद आवाज़ आई है, इंतहाई शदीद आवाज़ आई है। देखो हम नुकसान नहीं पहुँचाने आए, हम कुछ देर में यहाँ से जा रहे हैं। इस पर नाज़रीन ऐसा है कि मैं खुद चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि ये घर क्योंकि छोटा नहीं है, कुछ ही मरले पे मुश्तमिल है, कुछ कमरे हैं जो हमने फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन कर ली है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके साथ एक कब्रिस्तान अटैच होता है, बिल्कुल बाउंड इसके साथ अटैच हुआ है। मेरा ये है कि वहाँ पर जाया जाए और देखते हैं वहाँ क्या मामलात हैं। हो सकता है वहाँ पर कुछ चीज़ें हों या वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात इनकी जानिब से हुए हों या वो चीज़ ख़ुद जब उसका इस इलाके से गुज़र होता हो तब इनको मसला फेस आता हो और वो चीज़ यहाँ पे रहती है और यहाँ भी साथ रहने लग गई है, ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मैं अभी साथ वाले कब्रिस्तान में थोड़ी देर जाता हूँ और फिर इसको और बेहतर इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करेंगे। इधर जो जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं वो आप लोगों ने देख ली हैं। पहले ग्लास गिरा, शरारती चीज़ है, इधर मटका टूटा, रीडिंग आ रही है और जा रही है। तो अभी चलते हैं उस कब्रिस्तान की जानिब जो इसके साथ ही है और उम्मीद है शायद वहाँ से हमें कुछ और शवाहिद मिल सकें जिसकी बिना पर हम ये कंफर्म कर सकें। कंफर्म तो हो गया था लेकिन फिर टोटली हम एविडेंस से बता सकें कि हाँ ये जगह अफेक्टेड अभी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं, मजबूरी होंगी आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करना प्रॉपर तरीके से। तो आइए चलते हैं कब्रिस्तान की तरफ।
जी नाज़रीन, अभी मैं उस कब्रिस्तान के साथ अभी अंदर जाने लगा हूँ। ये साथ ही घर है और घर के बिल्कुल साथ ही ये कब्रिस्तान है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मामला क्या है। ये देख सकते हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। ये देख सकते हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, ये ज़्यादा हो रही है। लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह, लाहौल नाज़रीन फुल रीडिंग है। मैं जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ आया हूँ, ये देखें ये बंद हो गई है। मैं बात कर रहा था कि जैसे मैं उस घर से कब्रिस्तान की तरफ आया हूँ तो रीडिंग अपने उस पर ज़ोर पे है, फुल है। ये मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये देखिएगा, ये देखिएगा कैसे मेरे सामने कोई चीज़ यहाँ पे खड़ी है, बैठी है या मौजूदगी है, खड़ी है, बैठी है या मौजूदगी है। थोड़ा और आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो माजरत है, हम कुछ देर में यहाँ से जा रहे हैं, नुकसान ना पहुँचाइएगा। ये देखें मेरे सामने कैसे कोई चीज़ आ गई है। और हम इस टाइम दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं और ये कब्रें हैं और ये वो सामने घर है। अगर मैं थोड़ा दिखा सकूं, उसके बिल्कुल सामने ये घर है, कब्रिस्तान है। थोड़ा इस तरफ चलते हैं, समझ ध्यान से आना। और नाज़रीन बारिश भी काफ़ी हुई है, उस वजह से ये देखो हमारे साथ साथ वो चीज़ आ रही है। ये देख रहे हो समझ, ये देख रहे हैं, ये हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वो चीज़ हमारे साथ साथ पीछा कर रही है। ये देखें ज़्यादा हो रही, पहले रीडिंग नहीं आ रही थी। ये देखें जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वो चीज़ वहाँ वहाँ आ रही है। समझ देख के किसी कब्र पे पाँव ना आए, अभी रास्ते का समझ नहीं आ रहा। अच्छा नाज़रीन आगे चलते हैं दोबारा। EMF बार बार रीडिंग दे रहा है और बता रहा है कि हाँ यार अल्लाहु अकबर। मतलब आप ये चीज़ नोट करें, जैसे ही मैं आगे जा रहा हूँ वो चीज़ जो है हमारा साथ साथ है। और देखो जो भी अल्लाह की मखलूक है, हमें नुकसान ना पहुँचाना। हम कुछ देर में यहाँ से जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एरिया है। अल्लाह अकबर, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। लाइट देना समत, अल्लाह माफ़ करे। ओह शिट, ओह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ करना हमसे कोई गलती हो जाए, गुस्ताखी हो जाए। नाज़रीन रीडिंग साथ साथ है, साथ साथ है। ओए ये क्या हुआ, ये कुछ चीज़ गिरी है। हाँ देखिए हम यहाँ किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाने आए। सामने लाइट करना समझ, सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए, बगैर नुकसान ना पहुंचाइएगा। आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें समझ। लाइट करना इधर, कोई है अपने होने का साथ जला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए। अच्छा नाज़रीन हम आगे चलते हैं और कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, ये देख सकते हैं पाँव के निशानात हैं।
کیچڑ کی وجہ سے جیسے کوئی چیز. بہت خاموشی ہے, بہت زیادہ خاموشی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس ٹائم قبرستان میں ویسے ہی خوف ہوتا ہے, اور ایک بہت زیادہ خاموشی ہے. سامنے آ سکتے ہیں کسی بھی شکل میں؟ اچھا, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, جیسے میں یہاں پہ اندر آ رہا تھا ای ایم ایف بلاسٹ پہ تھا, ایسا تھا کہ جیسے وہ چیز ہمارے ساتھ ساتھ ہے. ابھی نہیں ہے کچھ ریڈنگ. یہ کون ہے؟ ابھی نہیں ہے کچھ ریڈنگ. یہ کون ہے؟ آواز آئی ہے کوئی عورت کی, جیسے لڑ رہی ہو. وہ نیچے کیچڑ بہت زیادہ ہے یار, دیکھ کے ذرا. کوئی ہے یہاں پہ اپنے ہونے کا ساتھ دلا سکتے ہیں بغیر نقصان پہنچائے؟ یہ کیا ہوا ہے سمجھ, دیکھ کے سر بھاری ہونے لگ گئے ادھر, جیسے کوئی چیز. کوئی ہے؟ ناظرین یہاں انتہائی خاموشی ہے, ابھی کچھ محسوس تو نہیں ہو رہا. اوپ اوپ کچھ آواز آئی ہے. یہ دکھاؤ, ادھر دکھاؤ, سامنے کرو, آگے کتنا آگے چل سکتے, جلدی کر. اچھا ناظرین, اوہ یہ کیا, ادھر کیڑے مکوڑے ناظرین بہت زیادہ ہیں. ادھر سے آگے ہو یا تھوڑا چلتے ہیں. ناظرین ہماری کوشش ہے کہ کچھ چیز ریکارڈ ہو جائے, ابھی تک ریڈنگ تو بہت زیادہ تھی شروع میں. آئیے, سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا ہے میرا جیسے جیسے میں اندر جا رہا ہوں, اور اللہ پاک محفوظ رکھے ہمیں. گیلی قبریں ہیں, کیچڑ بہت زیادہ ہے, ہمیں اب یہ نہیں پتا واپس کہاں سے جانا ہے. کوئی ہے یہاں پہ بغیر نقصان پہنچائے, سامنے آ سکتے ہیں؟ سمجھ, لائٹ دے, لائٹ دے, لائٹ دے, سمجھ دے, دے سمجھ, لائٹ. آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں رونے کی, ریکارڈ ہو رہی ہیں؟ تھوڑی بڑھانا ہے آواز, سمجھ. یہ بلی رو رہی ہے, بچہ رو رہا ہے, ہاں ہے نا. ادھر کہاں سے آوازیں آ گئی ہیں؟ کون ہے؟ اچھا ناظرین, اس کے بالکل ساتھ کرسچنس کا, عیسائیوں کا بھی قبرستان اٹیچڈ ہے. یہ باؤنڈری یہاں سے ختم ہو کے آگے کرسچنس کو لے کے جاتی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ چیز ہمیں ریکارڈ ہو جائے, ہم اس پہ کامیاب ہو جائیں. ابھی ہم لوگ اس جگہ پہ آئے ہیں, اس جگہ پہ آئے ہیں. بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, یہ اگر ریکارڈ ہو رہی ہوں, یہ اگر ریکارڈ ہو رہی ہوں. سمت لائٹ دے, لائٹ, سمت لائٹ دے, لائٹ. ناظرین بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ہم نے وہاں چیز ریکارڈ کی, ابھی ہم یہاں سے مجبوراً ہمیں جانا پڑ رہا ہے, اور ہمیں نہیں پتا اب کہاں سے جانا ہے. اب یہاں سے سمجھ جلدی آ, دیکھ کے. استغفر اللہ, توبہ استغفر اللہ. مجھے ناظرین میں کچھ ریکارڈ کرنے میں کامیاب مجھے لگ رہا ہوا ہے. سمت لائٹ دے, لائٹ. ہم نے وہ چیز ریکارڈ کی ہے, میں نے باہر جا کے آپ سے اس چیز پہ بات کرتا ہوں. سمجھ جلدی لائٹ دے, لائٹ, لائٹ. جلدی آؤ, جلدی جلدی نکلو یہاں سے, جلدی. کیونکہ ناظرین
स्लिपरी एरिया है, कीचड़ है ऑलरेडी बारिश की वजह से। अभी बारिश दोबारा शुरू हो गई है, हमें मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ रहा है, लेकिन हम यकीनन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके जा रहे हैं। तो मत लाइट दे, लाइट अभी थोड़ा सा बाहर चलते हैं। ये इसके साथ ही वो घर है और अभी हम यहाँ से बाहर आए हैं। अच्छा, ये सामने क्या रिकॉर्ड हो रहा है? मेरे पास कोई रोशनी टाइप है, मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है। अजीब सी चीज़ है। माय गुडनेस, रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। ये अभी भी हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं मेरे हैंडी कैम में नाजरीन, रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास। ऐसा लग रहा है कोई जैसे आग लगती है फिर आग बुझ रही है। इसको मैं दोबारा अगर जूम करूं, अब नज़र नहीं आ रही। ये आप लोगों ने देखा है, हम पहले रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बारिश अभी थोड़ी सी रुकी, हमने कहा दोबारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अभी फिर शुरू हो गई है। मैंने कुछ चीज़ ऐसी रिकॉर्ड कर ली है, उम्मीद है आप लोगों ने वो एडिट पर देख रहे होंगे, देखी होगी। तो मत लाइट दे, लाइट। मैंने जब कैमरा पैन किया ना, मुझे ऐसा लगा कुछ चीज़ खड़ी हुई है वाइट सी, और वो एकदम ब्लर हुआ है कैमरा, रिकॉर्ड हुआ है यकीनन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ है। वो चीज़ एकदम गायब होने की कोशिश की है, या बैठी है, या हमसे दूर होने की कोशिश की है। तो मत लाइट दे, लाइट। बारिश दोबारा तेज़ हो गई है, हमें ये मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब हम क्या करें, अभी समझ नहीं आ रही। उस अहाते में चलते हैं, समझ देख के आई। ये मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं लाहौल वाला कुवत अल्लाह बिलअज़ीम, लाहौल वाला कुवत अल्लाह बिलअज़ीम, लाहौल वाला कुवत अल्लाह बिलअज़ीम, लाहौल वाला कुवत अल्लाह बिलअज़ीम। थोड़ा इस तरफ अभी नाज़रीन, मजबूरन हमें बारिश की वजह से ओ शिट जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल लाहौल वाला कुवत अल्लाह बिलअज़ीम, हम नुकसान नहीं पहुँचाने आए। मैंने कुछ देखा है वहाँ पर, समद मैंने फिर कुछ देखा है यार। मुसलसल साया देखा है मैंने, काले रंग का। दोबारा रीडिंग दे सकते हैं? अच्छा, उधर की बात करूँ ना, आप लोगों को आपने वो डेट पे देखा होगा, रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास। वो चीज़ को मैंने जूम किया, पहले तो मैं सोचा कि वो कुछ लाइट है या क्या है, लेकिन मैंने उसको जब फुल जूम किया तो ऐसा लग रहा है कि एक आग है कहीं लगी हुई है, आग बुझ रही है खुद ब खुद, और उसके शोले नज़र आ रहे हैं। फिर आग बुझ रही है, चल रही है, फिर बंद हो रही है, हल्का सा शोला नज़र आता है, वो मैंने देखा है बकायदा। समय लाइट करना, उधर उस तरफ करो। देखिए, हम नुकसान नहीं पहुँचाने आए, ये आपकी जगह आप रह सकते हैं, देख के बाहर बारिश भी है। नाज़रीन, हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं अपनी कोशिश, और यकीनन वो चीज़ जो रिकॉर्ड हो गई है, तो मत लाइट दे, लाइट। उस पर हम कामयाब हो गए हैं आपको दिखाने में कि वो चीज़ यहाँ पे बसती है, वो यहाँ रहती है, वो क्या है, वो भी आप लोगों ने देखा है कि एक मुकम्मल एड्रेस में अजीब सी कोई चीज़ मुझे नज़र आई है। वो आप लोगों ने फैसला करना है कि वो क्या चीज़ थी, क्या वो वाकई कोई गैर मरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि वो एक कब्र के ऊपर ना, कब्र के ऊपर खड़ी हुई है और एकदम बैठ रही है। तो मत लाइट दे, लाइट। मुझे बिल्कुल बकायदा ऐसा लगा कि वो एक कब्र में खड़ी हुई है चीज़, और उसके अंदर दोबारा जा रही है, और ये 110% रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास। ये आप लोगों ने सारा ने देखा। उसके बाद इधर मैंने वो आग का शोला देखा, अभी मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास।
مسئلہ ہی فیس آ رہا ہے کہ بارش مسلسل ہو رہی ہے, ہم کافی دیر سے ادھر ہیں لیکن بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی. کچھ دیر رکی, ہم نے کوشش کی کہ اس کو دوبارہ انویسٹیگیشن شروع کریں لیکن ہم انفارچونیٹلی نہیں کر پا رہے. اچھا ناظر, ابھی ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں, موشن سینسر لگاتا ہوں میں یہاں پہ کیونکہ موومنٹ تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سمجھ, مجھے وہ موشن سینسر دو. اچھا اس کو سامنے کی طرف لگاتے ہیں, اگر اس ایریا سے کوئی گزرتا ہے تو ریکارڈ ہو جائے. اچھا ہم نے موشن سینسر لگا دیا, یہاں سے تھوڑا دور چلتے ہیں. جی ناظر, وہاں پہ ہم نے موشن سینسر لگایا ہوا ہے, اس کے سامنے سے کچھ چیز اگر گزرے گی تو وہ بولے گا. سمجھ, ایک بار دور سے دکھا دو کہ ہینڈی بھی پلیس ہے, آگے زیادہ نہ جانا. سمجھ, اس طرف آؤ ذرا. سمجھ, ابھی فی الحال ریڈنگ نہیں ہے, وہاں موشن سینسر بھی نہیں بولا ابھی تک, ہم اس کے بالکل سامنے ہی ہیں. کوئی ہے یہاں پہ؟ ابھی تک خاموشی ہے ناظرین, اور موشن سینسر بھی لگا ہوا ہے وہاں پہ, ابھی تک وہ ریڈنگ نہیں آئی وہاں پہ, کوئی چیز نہیں ہے. جیسے ہم پھر بھی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ہم نے وہاں موشن سینسر لگایا ہوا ہے, کیا اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں آپ؟ کافی دیر ہو گئی ہمیں اس قبرستان میں آئے ہوئے. وہ چیز میں نے ناظرین باقاعدہ دیکھ لی ہے, وہ چیز ریکارڈ ہو گئی ہے. تو مت لائٹ دے, لائٹ وائٹ کلر سی چیز تھی, اس چیز کو میں بیان نہیں کر پا رہا. ابھی ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں, موشن سینسر لگا ہوا ہے وہاں پہ. یہ کچھ گرا ہے میرے اوپر, بارش دوبارہ آ گئی ہے. کیا ریڈنگ دے سکتے ہیں دوبارہ؟ فی الحال لازم اس ایریا میں ریڈنگ نہیں آ رہی, موشن سینسر نہیں بول پا رہا, اور ہم نے وہ لگایا تو ہے لیکن ابھی تک کچھ ایسا ریکارڈ نہیں ہو پایا. کافی دیر ہو گئی ہے, میرے پاس سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا. اچھا اب وہاں پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ادھر ہیں یا نہیں. نائٹ ویژن اٹھاتے ہیں, ہوں اس کو بند کرتے ہیں. یہاں سے دب نکل, اللہ اکبر, دب نکل, اللہ اکبر, تو بس تک سمجھ, جلدی کر, استغفر اللہ. سمجھ, لائٹ دے, لائٹ دے, جلدی کر, جلدی کر, یہاں سے نکل. تو بس تک اللہ, شٹ اللہ. ناظرین ہم یہاں پہ اس قبرستان کو یہاں پہ اینڈ کریں گے. تو یہاں پہ وہ چیز نظر آئی ہمیں, اس کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ہم نے جو جو چیزیں ریکارڈ کی آپ نے دیکھی. تو مت لائٹ دے, لائٹ ریکارڈ ہو رہا ہے میرے پاس. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں, یہاں پہ چیزیں ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تو ابھی تک کے لیے مشاور فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.